पौड़ी की जो ये मानसून मैराथन है, पहली बार ये आयोजित हो रही है पौड़ी में। इस तरह का जो स्पोर्ट्स इवेंट है, जो पौड़ी का जो ऊपरी इलाका है, सिरसू से लेके कंडोलिया या टेका रोड या लॉली रोड या सर्किट हाउस घुड़दौड़ी तक, ये जो है बिल्कुल सीधा है और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो दौड़ के इवेंट है या साइकिलिंग है, उसके लिए बेहतरीन लोकेशन है। उसके विजुअल भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। युवा साथी है, बच्चे हैं जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में समाजी धरती रावण थी। और मैं चाहूंगा कि हमारी महिला वर्ग जो विजेता है वो अपना एक सुविनियर चेक लेके अगर स्टेज पे आ जाए, साथ में ये भी फोटोग्राफ हो जाए। रीमा पटेल अगर यहाँ पे हो, रीमा अगर आप पास पास हो तो हमारा होता है प्रैक्टिस चलती है हमारी 25-25-30 किलोमीटर चलती है दो दो डेढ़ घंटे प्रैक्टिस चलती है। सैंडस्टोन में हिल है वहाँ पे भी बहुत, यहाँ पे भी ठीक है, मतलब ठीक था हमारे लिए। माने का जितना सुंदर दर्शन बॉडी से मिलता है ना, छोटे सुंदर तो ऐसे बहुत सुंदर है, लेकिन बॉडी साथ ही पैटर्न में सबसे जो स्थान मिलना चाहिए था नहीं। इस आयोजन के पीछे जो मूल भावना यही थी, पैटर्न को नक्शे में बॉडी एक स्थापित नाम हो, और इसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य था जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वस्थ भारत अभियान हो, इस संदेश को घर घर तक पहुँचाना है। 1832 मानसून लोगों ने मानसून मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, इसको देश विदेश से भी लोग आए और देश के कोने कोने से भी आए हैं, कोई रानीखेत से आए, कोई हैदराबाद से आए, कोई कलकत्ता से आए, हरियाणा से आए, सारे जगह से आए, क्योंकि ये पहला आयोजन है। और इसके बाद जो अगली बार हम आयोजित करेंगे इसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होंगे, बहुत ज़्यादा लोग हर जगह से आएंगे।